और फिर स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं हमारे अपने चैनल बीएम अब तक भारतीय मीडिया न्यूज़ के ऊपर। आज हम जिस जगह पर खड़े हुए, ये मालेगांव शहर का बहुत ही मशहूर इलाका कुसुम्बा रोड यानी कि शहीद अब्दुल हमीद रोड के नाम से जाने वाला रोड है, जिसे आप लोग गुजरात हाईवे के नाम से भी जानने लगे हैं, क्योंकि इस रास्ते से बड़ी बड़ी गाड़ियों की आमद रफ्त शुरू हो चुकी है और बड़ी बड़ी गाड़ियों के यहाँ से मतलब जो तो रात और दिन जाना आना है। हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखा भी सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कितने कितने टन की लोडिंग गाड़ियाँ आ रही है और जा रही है, जिसको लेकर मतलब यहाँ पर रोड की हालत क्या हो चुकी है और इस इलाके में रहने वाली आवाम यानी कि ये इलाका इस तरीके से गुंजान आबादी से भरा हुआ इलाका है कि जहाँ दोनों साइड में रोड के इस साइड भी और रोड के इस साइड भी हज़ारों लोगों का रहना है। इस साइड में मतलब चार कॉर्पोरेटर जीत कर आते हैं और इस साइड से चार कॉर्पोरेटर, और आगे जब आगे और बढ़ेंगे आप तो रमजानपुरा इलाका जहां पर आठ कॉर्पोरेटर यानी कि 16 कॉर्पोरेटर से जुड़ा हुआ ये बस्ती का पूरा इलाका है और इसके बीच में गुजरात हाईवे। अब उस हालत क्या है उसकी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर मतलब गड़े हो चुके हैं, ऐसे ही गड़े। ये गड़ा मतलब जो तो दो मरतबा भर जा चुका है। वार्ड की आवाम ने अपने अपने तौर से इसको भरने की कोशिश की है, चाहे वो कचरा डालकर भरना पड़ा हो या मिट्टी डालकर भरना पड़ा हो, ऐसे कई तरीके से इन घड़ों को मतलब पूरी तरीके से भरने की मतलब कोशिश करते रहते। लेकिन क्या इस शहर के तमामी सियासी लीडरान कहाँ ख्वाब खरगोश में सो रहे हैं कि इस इलाके के अंदर कुसुम्बा रोड पर शायद किसी की जान जाने का इंतज़ार तो नहीं किया जा रहा है, या फिर कोई बड़े हादसे के इंतज़ार में मतलब रुके हुए हैं कि जब कोई बड़ा हादसा पेश आ जाएगा, कोई गाड़ियाँ पलट जाएंगी या इस गाड़ियों में दब कर कुचल कर कोई मर जाएगा तब इसकी तरफ नज़र सानी होंगी। आइए हम उसके ऊपर और भी मतलब बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखा देते हैं कि पूरे कुसुम्बा रोड के ऊपर इसी तरीके की हालत है। ये इलाका पूरा 80 फीट का रोड है, डिवाइडर के उस साइड में 40 फीट और डिवाइडर के इस साइड में 40 फीट का रास्ता है, लेकिन आवाम के और आमद रफ्त करने वालों के यूजिंग में ये रास्ता कितने फीट बचता है तो आप देख सकते हैं कि 10 फीट से ज़्यादा का रास्ता यहाँ पर इस्तेमाल में नहीं आता है। अतिक्रमण तो इतना हो चुका है कि अतिक्रमण के चलते पूरे शहर की आवाम परेशान है। आप देख सकते हैं कि मतलब दुकान के आगे दुकान, दुकान के आगे गाड़ी, गाड़ी के आगे टू व्हीलर, ऐसी कई पार्किंगें मतलब यहाँ लगा कर अतिक्रमण भी किया जाता है, जिसकी वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ और परेशानियों का सामना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 2 साल पहले बना ये कुसुम्बा रोड जो काफ़ी लागत से बना था, यानी कि मेरी मालूमात के हिसाब से 36 करोड़ रुपए का इसका फंड था, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ ये रोड की हालत आज आप देख सकते हैं किस तरीके से नासाज हो चुकी है और पूरी तरीके से ये रोड का काम बोकस साबित होता है, क्योंकि जो हिसाब से यहाँ पर बड़े बड़े गड़े और इस तरफ जो डंपर मतलब ऊपर आ चुके, रोड नीचे दब गया है और साइड में मतलब गाड़ियों के लोड से डंपर ऊपर आ चुका है। आइए हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ लोगों में इस बात को लेकर बोलने की बेदारी है या नहीं है, क्योंकि एक बड़ी चीज़ यहाँ निकल कर ये आती है कि जब आवाम से उनकी तकलीफ के बारे में पूछा जाए तो उनमें एक डर और एक खौफ हो जाता है। हमें समझ नहीं आता कि आवाम में किस चीज़ का डर और किस चीज़ का खौफ होता है सच को बोलने के लिए, लेकिन आइए जानने की कोशिश करते हैं फिर भी हम कि कौन है जो इस सच को बोलने की हिम्मत और ताकत रखता है कि इससे उनको वाकई में तकलीफ है या नहीं है। बोलेंगे आप? सच बोलने की हिम्मत और ताकत लोगों में यहाँ पर नहीं है। अब इस तरीके से अगर मतलब आवाम अपनी तकलीफ नहीं बताएंगी तो कौन बताएगा? आइए कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग ने रोड तो देख ही लिया हमारे शहर का, और ये मेन सेंटर है मालेगांव का, जहाँ से कांग्रेस के भी कॉर्पोरेटर और जनता दल के भी कॉर्पोरेटर और जो रनिंग आमदार है इनका तो गाँव से कोई संबंध ही नहीं है, बस इनका रोड के वो पार का ही मामला चल रहा है। और यहाँ के यही वार्ड के मेयर भी है, यही वार्ड के 9 हॉल मेंबर है, ये वार्ड के 4-5 हॉल मेंबर है, उसके बाद भी रोड का हाल देख लो क्या है। यहाँ पर जब तक कोई मरेगा नहीं, जब तक कोई कुछ करने वाला है नहीं, हमने लेटर ही बना के रखे, इंशाल्लाह कमिश्नर को लेटर देंगे परसों के दिन, पीर के दिन, कि अगर इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की गई 8 दिन के बाद तो हम डिपार्टमेंट में भी एक लेटर देंगे परसों पीर के दिन, अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती तो हम रोड रोको आंदोलन करेंगे यहाँ पर। यहाँ के झाल दरख्त खाली है पूरे के पूरे, धूल इतनी है कि कोई धंधा कर नहीं सकता रोड के ऊपर, धंधे वालों को तकलीफ हो रही है धूल मट्टी की वजह से, आने जाने वालों को तकलीफ हो रही है, गाड़ियों के अंदर मन के में शिकायत आ जा रही है लोगों की, लोगों के बच्चे ज़ाये हो जा रहे हैं रिक्शा के अंदर बैठ के, कोई हमला औरत आ जा नहीं सकती यहाँ पर, ट्रैफिक इतनी है कि पैदल कोई आ नहीं सकता है,
हमारे घर के बच्चे जब निकलते हैं हम लोग को डर लगा रहता है कि यार बच्चे निकले अभी कहाँ जाएंगे पता नहीं। और भी लोग हैं जैसे मेंबर के घर के भी आते हैं, इधर के गार्ड चार मेंबर, इधर के चार मेंबर आडर्ड मेंबर है, इधर यहाँ पर मेयर इस वार्ड की है, तायरा मैडम साहिबा इस वार्ड की है, यहाँ सब स्टैंडिंग प्रभाग दो के स्टैंडिंग कमेटी है वार्ड के चेयरमैन है यहाँ के, मगर ये रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं है और ना ही कोई कुछ बोलने वाला है रोड के ताल्लुक से, क्योंकि सभी को पता है कुछ बोले तो कुछ फर्क पड़ता है भी नहीं, ना कमिश्नर कुछ फर्क पड़ने वाला ना यहाँ पड़ने वाला है। अगर अल्लाह ना करे अगर कुछ हादसा होता है यहाँ पर तो ये इस वार्ड के उस वार्ड के लेके अगर कोई नहीं भी करे तो पर्सनल मेरी बेस पे 12-13 लोग की साइन के साथ में 11-12 लोगों के ऊपर हम जान मर्डर केस के ऊपर कंप्लेन करेंगे, कमिश्नर को और कलेक्टर को भी देंगे कि अगर कोई भी मरता है यहाँ पर तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ के ऑटो कारपोरेटर चार इधर के 5 कांग्रेस के और 3 जनता दल के, ये कारपोरेटर रनिंग मेयर कमिश्नर और आमदार ये 11 लोगों के नाम की हम कंप्लेन करेंगे भाई जान का ये लोग ने जान ली इस बच्चे की या कोई भी बढ़ेगी। अगर एक ट्रक आती है बीच में डिवाइडर पर जगह नहीं रहता कोई रहा तो दब जाता है, कल एक एक्सीडेंट होते होते बच्चा है, कोई डिलीवरी की पेशेंट औरतें हमला औरतें ये रोड से जा नहीं सकती है और ये रोड पे हॉस्पिटल भी है सब कुछ है मगर कोई सही तरीके से बता ही नहीं सकते। रोड के अंदर दरख्त कहाँ गए, फुटपाथ कहाँ गए, डिवाइडर के ऊपर अब तक कलर नहीं हुआ, रोड बना 3 साल हुआ रोड ख़त्म हो गया, रोड के लिए गए तो लोग बोलते हैं यार महापुर साहब कहाँ है उनसे बात करो इनसे बात करो, पब्लिक को पूछने का कोई यकीन नहीं है यहाँ पर, बस अपना जेब भरो और अपना पेट भरो। फिरोज भाई क्या तकलीफ है यहाँ पर, तकलीफ का तो अंबार लगा है यहाँ पे कुसुम्बा रोड के ऊपर। मेरी सारे लीडरों से कारपोरेटरों से आमदार से कमिश्नर से कलेक्टर से सभी से मेरी ये विनंती है, ये पब्लिक की तरफ से विनंती है कि यहाँ पर जो इस रोड के ऊपर ध्यान दे, यहाँ पर एक ट्रक जो है तो कोई 16 टायर और 12 टायर से कम की चल नहीं रही, 25 टन से कम की गाड़ी नहीं चलती, हर एक गाड़ी के अंदर लोडिंग पूरा रेती भरा हुआ है, एक गाड़ी का अगर ट्रैफिक जाम होता है 1 किलोमीटर का पूरा ट्रैफिक का यहाँ पर जाम लग जाता है, कोई पेशेंट अगर यहाँ पर डिलीवरी का पेशेंट है या कोई सीरियस पेशेंट है तो उसकी भी जान जाने का यहाँ पर खतरा है। कल यहाँ पर जो है दुकानदारों का इतना है, अतिक्रमण भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, अतिक्रमण तो साफ करने का यहाँ पब्लिक बोल ही रही बार बार क्योंकि अभी हाईवे बन चुका है, इससे पब्लिक का जान जाने का खतरा है और लीडरों ने सबसे पहले यहाँ पर जो है ये खड्डों का जो है तो कुछ ना कुछ मरम्मत करनी चाहिए, 1 करोड़ का ठेका भी है, पेच वर्गों का पास हुआ था रमज़ान के पहले, यहाँ पर छोटे छोटे पत्थरे ला के डाल दिए गए तो ये पब्लिक इनको वोट देती है तो काम करवाने के लिए देती है यहाँ पर या इनको पैसा खाने के लिए देती है। अच्छा, ये मेरी तो मतलब दो ये रोड अभी जो है तो ये रमज़ान जाने के लिए 2 साल हुआ और ये रमज़ान जाने के लिए 2 साल हुआ लेकिन 1 साल तो मुकम्मल लॉकडाउन का रोड बंद रहा पूरा, उसके बाद आप देख लो ये रोड की कंडीक्शन क्या है, किस तरीके का ये काम हुआ है। 2 साल में दो बार का काम, दो साल में यहाँ पर 2 मरतबा पेच वर्क का काम निकला, ये जो दूसरा पेच वर्क का काम निकला है वो तो 1 महीना पहले ही निकला है ना, और उसके बाद भी ये पेच वर्कों का काम भी नहीं हुआ और ना यहाँ पर कोई जो है तो इसकी मरम्मत की गई और कंडीक्शन ज़्यादा ख़राब हो गई। कल एक एक्सीडेंट यहाँ पर होते होते बचा है, 4 mm के फासले से एक लड़का बचा है जो 16 टायर की गाड़ी के नीचे आ जाता था, एक गड्ढे के अंदर ही गिरा था वो तो अल्लाह का शुक्र है कि किसी की दुआ लगी हो बच्चे को, तो वह तो ट्रक वाले ने ट्रक को रोक दिया और वो बच्चे को यहाँ से पब्लिक ने उठा कर लेके गई। मेरी आप लोगों के आपके चैनल के माध्यम से कॉर्पोरेशन से यहाँ के आमदार से मेरी गुजारिश है कि यार ये यहाँ पर जो आकर देखे और यहाँ पर मौके पर आकर इस हालात को देख कर जो है तो इस पर काम करें। रास्ता चलने वालों से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, खड्डा उड्डा सब ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है भाई, ट्रैफिक जाम है। हाँ ट्रैफिक हटाओ पहले, रास्ता चलने में, हाँ रास्ता चलने में तकलीफ ज़्यादा होती है, बहुत गड्ढे हैं और बारिश में कैसा है पूरा रोड खराब हो जाता है, फिर आने जाने नवाजी लोग को भी तकलीफ हो जाती है। से हमारी जनता से बात के दौरान रास्ते की तकलीफ और परेशानियां बढ़ गई, हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से तकलीफ, क्या तकलीफ, अरे क्या रास्ता बना है, राइजर रोड बना दे गया, सब लोग ट्रैफिक जाम हो गई, ट्रैफिक जाम होती है, रास्ता देख रोड देख कैसा बना है, अच्छा बहुत गड्ढे गुड्ढे, डिलीवरी की केस रिक्शा वाले ले जाएंगे तो रिक्शा वाले के अंग पे आ जाएंगे। अभी पूरे गांव में बहुत ही परेशानी चल रही है, अभी तो सभी तरफ रास्ते का खराबी है, अभी बरसात में बहुत परेशानी होती है, बन गया है। हाँ हाँ बड़ी गाड़ियों का जाना है, उसको लेकर क्या तकलीफ है,
अभी तकलीफ तो हो ही रही ना, बरसात के गड्ढे भर जाते हैं, हमको परेशानी हो जाती है, गड्ढा समझ में नहीं आता कहाँ है और कहाँ नहीं है। रास्ते खराब रास्ते मालेगांव के रास्ते, ये पहचान है मालेगांव की, ये रोड की बहुत पहचान है, कुसुमा रोड की मालेगांव की पहचान बहुत भारी है, पहचान आ जाता है मालेगांव, पूरा रोड खराब रोड है, कोई रोड अच्छा नहीं है पहले से। क्या सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन है, बनाने को होना जरा, क्या कहना चाहेंगे, मसला यही करना चाहेंगे कि रोड जरा अच्छा करने को होना, जरा अच्छा देखने को होना, जरा करने को होना, कोई भी रहो। ये 2 साल पहले ये रोड बना है, 2 साल पहले नहीं, ये 6 महीने भी बना था, ऐसे हो जाता बार बार।